नमस्कार, फैक्ट फाइल चैनल में आपका स्वागत है। 1950 के दशक से ही वैज्ञानिकों ने हवा में उड़ने वाली कार की कल्पना शुरू कर दी थी। उड़ने वाली कार के सपने ने अब हकीकत का रूप लेना शुरू कर दिया है। जी हाँ, आज हम उन्हीं उड़ने वाली कारों की जानकारी और उनसे जुड़े फैक्ट के बारे में आपको बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। टेराफुगिया कंपनी की TFS कार में 4 लोग एक साथ बैठ सकते हैं और यह हेलीकॉप्टर की तरह वर्टिकल टेक ऑफ कर सकती है। इसे टेक ऑफ करने के लिए किसी रनवे की ज़रूरत नहीं होगी। इसके पंख मुड़ जाते हैं, इसे छोटे से गैराज में पार्क करना संभव होगा। निजी विमान की तरह इसे रखने के लिए आपको एयरपोर्ट पर हैंगर किराए पर लेना नहीं होगा। कंसेप्ट के मुताबिक कार हाइब्रिड है। इसमें एक जोड़ा इलेक्ट्रिक मोटर है जो 300 BHP पेट्रोल इंजन के साथ जुड़कर 1 मेगावाट की आउटपुट उत्पन्न कर सकती हैं। दरअसल हवा में उड़ने के लिए ज़रूरी एरियल थ्रस्ट इसे एक नली से लगे मुड़ने वाले पंखों से मिलता है और हर पंख के नीचे प्रोपेलर लगा होता है। अभी यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि TFS सड़क पर किस रफ्तार से चलेगी, लेकिन हवा में इसकी गति 200 मील प्रति घंटे यानी 320 किलोमीटर प्रति घंटे होगी और यह एक बार में 500 मील यानी 800 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। इस रफ्तार से देखें तो दिल्ली से लखनऊ 2 घंटे से भी कम समय में पहुंच सकते हैं, जबकि लगभग 1 घंटे में आप दिल्ली से जयपुर पहुंच सकते हैं। उच्च तकनीकी की तरफ बढ़ता यह कदम भविष्य की कार और हवाई उड़ान दोनों की तस्वीर बदल कर रख देगा। इस कार की कीमत क्या होगी, इस पर कंपनी ने कोई अनुमान सामने नहीं रखा है, लेकिन इसकी कीमत आजकल की महंगी लग्जरी कारों जितनी ही होगी, यानी एक बुगाती वेयरन कार की कीमत में हवा में उड़ने वाली कार आ जाएगी। कितनी सुरक्षित है यह कार? टेराफुगिया का दावा है कि TFS आज के आधुनिक ऑटोमोबाइल की तुलना में बेहद सुरक्षित होगी। इसे हवा में उड़ाने के लिए आपको महज 5 घंटे की ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी। वैसे TFS कार की उड़ान ऑटो मोड में होगी, लेकिन आप इस पर नियंत्रण कर सकते हैं, जबकि इसकी लैंडिंग पूरी तरह से ऑटोमेटिक ही होगी। किसी भी तरह की नाकामी की आशंका को देखते हुए इमरजेंसी की स्थिति में TFS पूरी कार ही पैराशूट के जरिए सुरक्षित जमीन पर उतर जाएगी। स्लोवाकिया की एरोमोबिल नामक कंपनी ने इस कार को बनाया है। यह कार 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रोड पर चलेगी। यह कार जब हवा में उड़ेगी तब यह 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ेगी। इसमें ट्विन मोटर लगे होंगे। यह कार केवल 150 फीट की घास पर भी लैंडिंग कर सकती है और 690 किलोमीटर तक उड़ सकती है। सबसे अच्छी बात इस कार के बारे में यह है कि इसे टेक ऑफ करने के लिए महज 750 फीट का स्क्वायर रोड चाहिए। कार में ऑटो पायलट है और आपातकालीन हालत के लिए पैराशूट भी है। इसका वर्किंग मॉडल डिजाइन तैयार करने और कार को बनाने में केवल 10 महीने का समय लगा। इसके CEO जॉर्ज बोकालिक ने बताया कि इस कार को 2017 में लॉन्च किया जा सकता है। एरोमोबिल ने हालांकि कुछ चिंता इस बाबत जताई है कि एक प्लेन रूपी कार को उड़ाने और टेक ऑफ करने संबंधी परमिशन संबंधी अड़चनें आ सकती हैं। अब इसकी कीमत क्या होगी और इसे 2017 में कंपनी कब रिलीज करेगी, इसकी कोई फिक्स डेट अभी जाहिर नहीं की गई है। डच कार कंपनी पेलवी ने जिस कार को बनाने का दावा किया है वह 2 मॉडलों में लिबर्टी स्पोर्ट और लिबर्टी पायनियर उपलब्ध होगी। ग्राहक इन दोनों कारों की प्री बुकिंग करा सकते हैं। 6.7 लाख रुपए देकर लिबर्टी स्पोर्ट और 16.17 लाख रुपए देकर लिबर्टी पायनियर को बुक किया जा सकता है। कंपनी ने लिबर्टी स्पोर्ट की कीमत 2,70,00,000 रुपए और लिबर्टी पायनियर की कीमत 4,01,00,000 रुपए रखी है। कार की डिलीवरी यूरोप में 2018 के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। इस कार को कॉप्टर बनने में 10 मिनट का समय लगता है। यह कार जमीन पर 161 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है और हवा में इसकी गति 112 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। 1 लीटर ईंधन में यह 11 किलोमीटर चलेगी। दोस्तों, सैद्धांतिक तौर पर यह कारें पूरी तरह से सुरक्षित दिखाई दे रही हैं, लेकिन हवा में उड़ने को लेकर कानूनी प्रावधानों की ज़रूरत होगी। जिस तरह से
हवा में निजी विमान को उड़ान भरने की इजाज़त दी जाती है, उसी तरह से उड़ने वाली कारों के लिए भी व्यवस्था करनी होगी। इसके साथ ही दुनिया भर के देशों के कानून निर्माताओं को इस कार के लिए सर्वमान्य एयर रूट की व्यवस्था पर काम करना होगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह बिल्कुल फ्री है। वीडियो के नीचे शेयर का बटन है, इससे आप इस वीडियो को दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं।